नमस्ते, मैं रेकी मास्टर टीचर एंजल हीलर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट सोमा पाठक आज आप लोगों को बताने वाली हूँ प्रॉस्पेरिटी टिप। प्रॉस्पेरिटी के लिए हमें धन संपत्ति के लिए, फिनेंशियल कंडीशन अच्छा करने के लिए एक टिप बताने वाली हूँ जो बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगी कि अगर आप उसी रेकी सीखें, उसी रेकी सीखने से आप अपने लाइफ के हर एक प्रॉब्लम को खुद ही ठीक कर सकते हैं, पर आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसी रेकी सीखने से आपके फिनेंशियल कंडीशन ठीक होंगे, करियर में आपको लाभ होगा, रिलेशनशिप अच्छे होंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स को आप हील कर पाएंगे, साथ ही साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। तो आइए जानते हैं जो फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए जो हमें टिप यूज़ करना है, कैसे करना है वो हम बताते हैं। हर घर में वैसे शाम के टाइम या सुबह पूजा करने के टाइम धूना गूगल ये सब से हम आरती करते हैं भगवान के, तो उसी में अगर हम थोड़ा सा अदरक डाल दें वो सूखा होने से ज़्यादा अच्छा है, अच्छे से जलेगा। या तो आप सौंठ भी यूज़ कर सकते हैं और उस धुएँ को बाकी सब सामग्री के साथ अगर आपके हर एक घर रूम में, हर एक कोने में आप स्प्रेड करेंगे तो इससे आपके लाइफ में माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और आपके लाइफ में फिनेंशियल ग्रोथ ज़रूर होगा, आपको प्रॉस्पेरिटी ज़रूर मिलेगी। तो आप ये ज़रूर कीजिए और आपको जब भी तुरंत आपको ये प्रॉस्पेरिटी मिलना स्टार्ट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इससे लाभ होने की वजह से आप दूसरों को शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको, उनके लाइफ में भी प्रॉस्पेरिटी आए, और जब दूसरे लोग भी प्रॉस्पेरिटी गेन करेंगे तो उनकी, उनके साथ साथ आपको भी वो ब्लेसिंग्स मिलेगा। तो ज़रूर कीजिए, खुद भी कीजिए, खुद भी प्रॉस्पेरिटी लाइए अपने लाइफ में और साथ ही साथ अपने जानने वालों को, पहचानने वाले को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को भी प्रॉस्पेरिटी का ये टिप ज़रूर बताइए ताकि वो भी प्रॉस्पेरिटी गेन कर सके। आज यहीं तक, नमस्ते।